गाइस कैसे हो आप लोग। तो गाइस बहुत दिन हो गए मेरी वीडियो आए हुए, एंड मैं आज आपके लाया हूँ एक बहुत बढ़िया वीडियो जिसका टॉपिक है हाउ टू मेंटेन योर एक्वेरियम वाटर क्रिस्टल क्लियर। अपने एक्वेरियम के पानी को कैसे बिल्कुल साफ रख सकते हो। जैसे मेरा है अप्रोक्स मेरे 1 मंथ से लेकर 1.5 मंथ हो गया है मैंने एक्वेरियम का पानी साफ नहीं किया है। तो ये सब कैसे और मेरा पानी इतना साफ क्यों है पता नहीं, अब कैमरे में शो हो रहा हो नहीं हो रहा होगा, बट मेरा पानी जो है बहुत क्रिस्टल क्लियर वाटर है, बहुत बढ़िया, ना कोई स्मेल है ना ही कुछ है। तो गाइस कैसे आप लोग इतना मेंटेन कर सकते हो अपने वाटर को, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो गाइस पहला जो पॉइंट है हमारा वो ये है कि आपको लाइट की, जब आप लाइट जलाते हो एक्वेरियम की, उसका टाइमिंग रखने होंगे। जैसे मैं सुबह उठता हूँ 12 बजे या 11 बजे, तो मैं उठते ही सीधा एक्वेरियम का लाइट जो है एक्वेरियम की वो ऑन कर देता हूँ, यानी 11 बजे मैं एक्वेरियम की लाइट ऑन कर देता हूँ। तो ये 11 से लेकर अब मैं रात को जब मैं सोता हूँ या खाना वाना खाता हूँ, मैं जब खाना खाता हूँ या जब मैं फिशेज को खाना देता हूँ, खाना देने के बाद एक्वेरियम के ऑक्सीजन ऑन करने के बाद मैं लाइट्स ऑफ कर देता हूँ 15 मिनट बाद। तो यानी अब ये मान लो मैं रात को 8 या 9 बजे में खाना देता हूँ, तो यानी 10 घंटे का अप्रोक्स उसमें रहता है, तो 10 घंटे बाद मैं लाइट्स ऑफ कर देता हूँ। तो आप भी ऐसे रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे रखिए आप अपनी लाइट्स ऑन, उससे ज़्यादा ऑन मत करिए। अगर आप ज़्यादा लाइट ऑन करोगे तो आपका जो एक्वेरियम का वाटर है वो ग्रीन हो जाएगा। अब कई लोगों की दिक्कत रहती है कि वाटर क्लाउडी हो रहा है। क्लाउडी वाटर ऐसे नहीं होता कि एल्गी आ गई या कुछ, क्लाउडी वाटर होता है मतलब कि अगर आपके एक्वेरियम में गुड बैक्टीरियाज नहीं है। अब ये गुड बैक्टीरिया हम कैसे लाएंगे अपने एक्वेरियम में, जैसे मैंने इसमें डाले हुए हैं स्टोन्स ऐड कर दीजिए, स्टोन्स कलर स्टोन्स नहीं, कलर स्टोन्स आपकी फिशेस को हार्म करते हैं। एंड दूसरी बात कि जो आपका एक्वेरियम है वो उनका जो वाटर है एक्वेरियम का वो गंदा हो जाता है, उसका जो रंग है वो निकल जाता है कलर स्टोन्स का। तो आप जो विदाउट कलर मतलब जो वाइट हो गए जिसमें कलर एडिड नहीं है, वाले स्टोन्स यूज़ करिए जो फिश को भी हार्म ना करें एंड आपका एक्वेरियम का पानी भी गंदा ना करें। दूसरी बात, आप अच्छे अच्छे फिल्टर्स ऐड कर सकते हो। मैंने अपने 5 फिट के एक्वेरियम में 2 टॉप फिल्टर ऐड करे हुए हैं, आप देख सकते हो, और एक इंटरनल फिल्टर भी ऐड करा हुआ है। तो गाइस 3 फिल्टर मेरे एक्वेरियम को साफ कर रहे हैं। तो तभी तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरा 1 मंथ हो गया एंड मैंने पानी साफ नहीं करा है। एंड थर्ड पॉइंट हमारा स्टोन्स था, फर्स्ट पॉइंट लाइट्स एंड सेकेंड हमारे टॉप फिल्टर्स एंड फिल्टर्स हो गए, थर्ड हमारा स्टोन्स हो गए। फोर्थ पॉइंट, एक्स्ट्रा फूड मत दीजिए अपने फिशेज को। फोर्थ पॉइंट पे एक्चुअली ये है, आप एक्स्ट्रा फूड दोगे एक तो उन्हें ओवर फीडिंग होएगी, और ऊपर से जो फिश फूड नहीं खा पा रही है वो छोड़ देगी एंड आपका पानी जो है वो गंदा हो जाएगा। अब हम बात करेंगे 5th पॉइंट की, ये सबसे मेन पॉइंट है, क्लीनिंग का टाइम क्या होना चाहिए। मतलब 15 दिन में कितना पानी क्लियर करना है, या हफ्ते में कितना क्लियर करता हूँ मैं। मैं नहीं करता हूँ इस हफ्ते में क्लियर पानी, मैं 20 दिन या 25 दिन के बाद 50% बस वाटर चेंज करता हूँ, क्योंकि मेरे पास 3-3 फिल्टर्स लग रहे हैं जो कि अच्छा मेरा पानी साफ करते हैं। मैं हर 15 दिन बाद बस फिल्टर साफ कर देता हूँ कि जो फिल्टर्स सफाई कर रहे हैं बस वो साफ रहे हैं, पानी चेंज करने की जरूरत ही नहीं रहती मुझे। इसलिए आप देख रहे हो मेरी फिशेज कितनी हेल्दी हैं, आप मानोगे नहीं, मेरी फिश को 2.5 या 2 ईयर्स, आधी फिशेज में 2 ईयर्स की हैं, आधी 2.5 ईयर्स की हैं, एंड आधी इसमें अप्रोक्स 2-3-5 मंथ्स की हैं। इसमें बहुत सारी वैराइटीज़ की फिशेज हैं, जैसे गोल्ड फिश हो गई, कोई फिश हो गई, ऐसे आप देख सकते हो, गोरामीज हो गई, इसमें ऐसी जैपनीज कोई फिश भी हैं, बहुत महंगी महंगी फिश ला रखा हूँ इसमें, शार्क भी आप देख सकते हो, बहुत बड़ी शार्क है। अप्रोक्स शार्क को मेरा 2.5 ईयर हो गया है, आप देख सकते हो कितनी बढ़िया इसकी हाइट है, मतलब लेंथ है, आप देख पा रहे होंगे। एक्चुअली एक्वेरियम भी मेरा बड़ा है, 5 फीट का एक्वेरियम है, आप देख पा रहे होंगे, तो मैं इतनी फिश आराम से मैं हैंडल कर पा लेता हूँ, सफाई वगैरह मेंटेन कर पाता हूँ। अब गाइस हमारा 6th पॉइंट क्या आता है, सिरेमिक रिंग्स और एक्टिव और बायो एक्टिवेट कार्बन, सॉरी ये सब बायो मीडियाज होते हैं, सिरेमिक रिंग एक्टिवेट कार्बन, ये आपको टॉप फिल्टर में अपने ऐड करना होगा। और ये कब सफाई करनी होगी, अप्रोक्स 2 मंथ्स बाद आप चेंज करना होगा, 2-3 मंथ्स बाद आपको चेंज करना होगा बायो सिरेमिक रिंग्स, मतलब जो भी आपका बायो मीडिया है वो चेंज करना होगा। तो गाइस इनका बहुत अच्छा रोल रहता है इन वाटर को क्लीन रखने में। अब कौन सी कंपनी का यूज़ करें, सिरेमिक रिंग या फिर एक्टिवेटेड कार्बन, गाइस एक बहुत बेस्ट कंपनी है, डॉल्फिन नाम है उसका, एंड उसका मतलब बेस्ट है, एक्टिवेटेड कार्बन भी और सिरेमिक रिंग भी। आप देख पा रहे होंगे कि मेरा वाटर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। ये क्यों, 1 महीने से मैंने साफ ही नहीं किया है, 1.5 महीने से मैंने साफ नहीं किया है, सिर्फ उसी की वजह से, सिरेमिक रिंग एंड एक्टिवेटेड कार्बन। सिरेमिक रिंग हमारी ये फायदा करता है कि पानी में स्मेल नहीं आती,
एक्टिविटी कार्बन का काम ये है कि पानी गंदा नहीं होता। अब गाइस बात आती है सेवन्थ पॉइंट पर कि हमें पानी कितना चेंज करना है, कितना हमें कितने परसेंट हमने वाटर चेंज करना है, 15 दिन बाद, हफ्ते बाद या महीने बाद। अब मेरे से 1.5 महीना हो चुका है तो मैं एक काम करूँगा इसे 50% से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी आप ये मान लीजिए 60% में इसका वाटर चेंज करूँगा, क्योंकि मेरा अभी वाटर क्रिस्टल क्लियर है। बस मैं स्टोन साफ करूँगा, स्टोन से अच्छे सक्शन पंप से आराम से नीचे इनकी पूप वगैरह जम रही होगी वो सब मैं साफ़ करूँगा, नीचे जो भी मतलब काई वगैरह होगी वो सब मैं अच्छे से साफ़ करूँगा ग्लास वगैरह पे। आप देख सकते होंगे मेरे एक्वेरियम में एक भी ब्लैको फिश नहीं है, सकर फिश जिसे आप बोलते हो वो भी नहीं है, तभी मेरा वाटर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, बस सिरेमिक रिंग एंड एक्टिवेट कार्बन की वजह से, और दूसरी बात मेरे मेंटेनेंस की वजह से, कितना अच्छा मैं मेंटेन करता हूँ। 15 दिन बाद मैं आराम से वाटर चेंज कर लेता हूँ अपना आधा, एंड या फिर वो भी नहीं करता, मैं महीने बाद ही करता हूँ, बस अपना इंटरनल फिल्टर या फिर टॉप फिल्टर मैं साफ रखता हूँ अच्छे से। आपको भी यही करना है, आपका वाटर जो बिल्कुल क्लियर रहेगा, एंड बस अगर आपका वाटर ग्रीन हो रहा है उसका मेन कारण यही है, अपने फिल्टर साफ रखिए, पानी साफ रखिए, पानी ग्रीन नहीं होगा आपके एक्वेरियम। एक अगर आपका ग्रीन हो रहा है तो आप एक ब्लैको फिश ऐड कर दीजिए और आप अच्छा रहेगा आपके लिए। क्लाउडी हो रहा है तो बस आप स्टोन ऐड करिए, वही आपका बहुत बेनिफिट कर देंगे। स्टोन से ये होता है जो बैक्टीरियाज होते हैं गुड बैक्टीरियाज वो जम जाते हैं स्टोन्स पर ही, तो उससे आपका वाटर क्लाउडी नहीं होता है। और ग्रीन का दिक्कत मतलब ये थी एल्गी वगैरह जो जम रही होती है, तो एल्गी हटाने के लिए एक मेडिसिन भी आती है, बट मेडिसिन यूज़ मत करिए, अपना आराम से अपने हाथ से अपना सफाई करिए अपना, एंड दूसरी बात फिल्टर्स का ध्यान रखिए बस ये। एंड आप देख पा रहे होंगे मेरी फिशेस कितनी हेल्दी हैं सारी, और मतलब कुछ ऐड नहीं करना आपको एक्वेरियम में, बस आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हो वाटर क्लियर, अगर आपका पानी ग्रीन हो रहा है। एक ये रेड्रीडोल की एक मेडिसिन आती है, इसे बोलते हैं वाटर क्लियर, इससे आपकी फिश को कोई भी हार्म नहीं होगा, एंड आप इसे यूज़ करिए, बहुत बेस्ट है मेडिसिन। आप आज अगर मैं रात हो रही है तो रात को ऐड कर दूंगा, तो सुबह तक आप देखोगे पानी बिल्कुल पानी वाइट हो जाएगा, मतलब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आप देख पाओगे। इसे 12 घंटे से लेकर 14 घंटे लगते हैं बस, एंड ये साफ कर देता है बिल्कुल एक्वेरियम को आपके, बस आपको ये यूज़ करना है। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।